हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और मैं बनाने वाला हूं आपके लिए केमिस्ट्री एकदम इजी। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन, तो थोड़ा सा इस वर्ड को जरा समझते हैं। रिडॉक्स, अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स, तो ये बना हुआ है फ्रॉम रिडक्शन एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बन जाता है रिडॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जरा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो किधर से शुरू करें, पहले ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं, चीजें उससे आसान लगती है, ठीक है भाई। कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए कैसे, अगर हमारे पास में हाइड्रोजन है, इसमें आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो बन गया क्या, H2O, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। अगर लिख देते हैं यहां पर एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक। अब यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं, यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं, तो अगर हम इसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज वॉट, इट इज रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब जरा इसी में देखते हैं फिर से। अगर पहले एक सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम आपको बताएं ताकि आप हर बार उसको चेक कर पाए, हर बार चेक कर पाए। देखिए, जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये क्या कहती है, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या कहती है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन, है ना। हमने ये डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि ये हर केस में ये बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हर केस में। तो पहले तो यही सीख लें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तब हम वेरियस टाइप्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्या है, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाटर के केस में, तो यहां पर हाइड्रोजन पर होगा प्लस वन चार्ज और ऑक्सीजन पर होगा माइनस टू चार्ज, जिसको हम लोग वैलेंसी भी कहते हैं, ठीक। तो आप देखो, हाइड्रोजन के केस में जीरो था, बाद में प्लस वन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, है ना, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये चार्ज जीरो था और यहां पर चार्ज हो गया माइनस टू, यहां पर चार्ज हो गया माइनस टू, तो ये डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ ना। तो जब भी डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज इज रिडक्शन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देखिए, जीरो था माइनस टू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आई, रिडक्शन, ओके। तो अगर आप ये पॉइंट पहले अच्छे से समझ लीजिए तब आपको ये चीजें बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जीरो से प्लस वन होना मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जीरो से माइनस टू हो गया, दैट मीन्स रिडक्शन, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज वॉट, ऑक्सीडेशन। तो देखिए, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, इसमें आपने जब ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या हो गया, इसका जीरो से प्लस वन चार्ज हो गया, तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। अब जरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑक्सीजन में जब हाइड्रोजन जुड़ गया, जब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इन द सेम वे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. Removal of hydrogen is also oxidation. Removal of hydrogen is also oxidation. कैसे? जरा इसको समझते हैं. देखिए सिंपल एग्जाम्पल देखिए. अभी हमारे पास वॉटर है, ठीक है. हमने वॉटर में से इसको तोड़ा और हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक. ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस टू चार्ज हुआ, यहां पर चार्ज हो गया जीरो. ये बात तो समझ में आ गई. पिछली रिएक्शन को हमने जस्ट पलट दिया और कुछ भी नहीं किया है. तो देखिए माइनस टू से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में, मतलब इसका इंक्रीजिंग चार्ज हुआ, मतलब ये ऑक्सीडेशन है. तो ऑक्सीडेशन कब हो पाया, जब यहां से ऑक्सीजन के साथ का लगा हुआ हाइड्रोजन को जब आपने रिमूव किया, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ. क्या ये पॉइंट समझ में आई कि नहीं समझ में बात आई भाई? इसी ऑक्सीजन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा दीजिए तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन. इन द सेम वे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए भाई, यहां पर प्लस वन चार्ज था. आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये रिडक्शन हो रहा है, ये तो समझ में आ गया इस इक्वेशन से. तो इसी वाटर मॉलिक्यूल से जब आप ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. तो देखिए इन पॉइंट, ये बेसिक्स है, ठीक है. अगर आप किसी को यूज कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान होती जाएंगी. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ध्यान से देखिए हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन इधर एडिशन में था, इधर रिमूवल में कर दीजिए. ऑक्सीजन एडिशन में था, ऑक्सीजन रिमूवल में कर दीजिए, ठीक है. इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें लिखी है जिसमें ना ऑक्सीजन हो ना हाइड्रोजन हो. आपको देखो सोडियम था, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया. आपको तो ये तो दिख रहा था कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर जीरो चार्ज था और यहां पर क्या हो गया, प्लस वन चार्ज हो गया. तो ये ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर. अब ये कैसे हुआ होगा, सिंपल भाई, ये कैसे हुआ होगा बाय रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. इन द सेम वे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वॉट रिडक्शन. नहीं समझ में आया, देख लेते हैं, इसी को पलट के देख लेते हैं भाई. एन ए प्लस है और आपको ये तो पता है ना कि ये तो रिडक्शन हो रहा है, यहां पर प्लस वन चार्ज, यहां पर जीरो चार्ज, ये रिडक्शन है, दैट इज फॉर श्योर. इसी में जरा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तभी तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो पाएगा, है कि नहीं. वैसे पॉइंट समझ में आया. तो मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वॉट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं, या आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो. लेकिन वैसे चार, एक दो तीन चार, चार पॉइंट मेरे ख्याल से सफिशियंट है. जब भी अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये चार पॉइंट सफिशियंट है. जो बेसिस है, बेसिस आपका स्टैंड यही करेगा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, जब पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन होगा, ठीक है. और ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, उनको आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उसको आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, राइट. यहां पर एक पॉइंट और बताना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो चलिए ठीक है, यहीं पर एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप सभी को पता है कि कलयुग चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कलयुग चल रहा है, ये तो पता है ना. तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, तो आपको याद बस सिंपल इतना रखना है, फाइंड आउट आपको अल्टीमेटली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, या जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है. मतलब देखिए भाई, अगर इस इक्वेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है. तो जो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये कलयुग है, तो सब कुछ उल्टा ही एजेंट का काम करेगा, ऐसे याद कर सकते हैं. खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अभी हम क्या है, अभी हम ये सोडियम है, ठीक है, हम सोडियम है और हम आपको ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हमने आपको इलेक्ट्रॉन दिया. जब आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो आप क्या हो जाएंगे, आपने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया आप तो क्या हो गए, खुद रिड्यूस हो गए. तो मैंने आपको हेल्प किया ना रिड्यूस होने में, तो आई एम रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैं खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया,
पॉइंट समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होता है दैट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत बार आपसे कोई भी इक्वेशन दी जाती है, आपसे पूछा जाता है विच इज वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, अगर हम आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो कौन होगा? हाइड्रोजन, राइट। क्यों? जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया होगा, बहुत आसान है, है ना? तो अगर आसान है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अबाउट वेरियस प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन आवर डेली लाइफ, वेरियस रिडॉक्स प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।